नमस्कार दोस्तों, रायगढ़ पेंटिंग ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाहर दीवार में लगने वाले वाटर प्रूफिंग पेंट डैम प्रूफ और एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये बाल्टी को खोल लेते हैं और ये जो डैम प्रूफ होता है वाइट कलर का आता है, इसको जो पहला कोट लगाने का तरीका 75% डैम प्रूफ और इसमें 25% पानी मिलाया जाता है। हम इसको 6 मग का डैम प्रूफ ले लेंगे। और इसमें फिर 2 मग का पानी लेंगे तो ये 75 और 25 का रेशियो हो जाएगा। दोस्तों, इसको दोनों के मिक्स को अच्छे से मिलाना है और दीवारों की सफाई अच्छे से कर लेनी है डैम प्रूफ लगाने के पहले। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि लगाने में भी आसानी हो। और इसको पहले कोट को प्राइमर की तरह ब्रश से लगाना है और हम पहला कोट इसका आढ़ी लगाएंगे। याद रखिए, इसको जो मिलाने का तरीका होता है वो 25 और 75 का होता है। इसको पेंटर भाई लोग ध्यान देंगे। और जब इसमें दोबारा दूसरा कोट लगाया जाएगा तो इसको खड़ी लगा, और दूसरा कोट में ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। इसको बिना पानी मिलाए ही लगाना है, डिब्बा खोल के सीधे लगाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अब देखिए, हम इसमें एपेक्स अल्टीमा लगा रहे हैं। ये ब्राउन कलर का है, ये भी बाहरी दीवारों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका लाइफ लगभग 6 से 7 साल होता है। पहला कोट को इसमें भी आढ़ी ही लगाना है और जब इसमें दूसरा कोट करेंगे सेकेंड कोट तो इसको खड़ी लगाना है। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपके दीवारों पे कहीं क्रैक है या कहीं गैप है तो इसको क्रैक सील से अच्छे से फिलिंग कर लेंगे। इसको 2 बार लगा लेने से क्रैक अच्छी तरह से भर जाते हैं और पानी घुसने का चांस बराबर हो जाता है। पहला कोट कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें दूसरा कोट लगाएंगे। दूसरा कोट को जैसा कि बताया गया था कि पहले आढ़ी लगाना है और सेकेंड कोट को खड़ी लगाना है। इससे कलर भी अच्छे से बैठता है और दीवारों पे अच्छे से लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप हमको सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.